आज का टॉपिक है गूगल सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। जिनको पता है उनके लिए तो इजी है, जिनको नहीं पता उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि गूगल हिस्ट्री कहाँ से और कैसे डिलीट करें प्रॉपर, और जो भी कुछ उन्होंने सर्च किया है इजीली सब कुछ डिलीट हो जाए। तो वो इस वीडियो ये वीडियो से उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये वीडियो पूरा देखें, आपको अच्छे से फुल डिटेल में इसमें समझाया गया है कि गूगल हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BOT यानी पॉप अप टेक्निकल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ओपन कर लो। क्रोम ओपन करने के बाद ये जो राइट में जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आप क्लिक करो, और ये हिस्ट्री आपने देखा होगा, ये 4th ऑप्शन हिस्ट्री दिखाता है। तो हिस्ट्री पे जाके आपने देखो ये क्या क्या सर्च किया है, तो ये डिलीट करने के बाद कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये सबसे पहले हिस्ट्री दिख रहा है Ctrl+H, इस पर आप क्लिक करो। इस पर आने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्लियर ब्राउजिंग डाटा है, और इधर भी आपने क्या क्या सर्च किया है सारा सब कुछ है इधर। तो आप यहाँ चाहें तो इसमें से आप चाहते हैं कि जो नहीं रहे हिस्ट्री में जो भी आपने सर्च किया है, तो इसमें से सिंगल करके भी आप डिलीट कर सकते हो। सिंगल सिंगल आप सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंगल नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि एक साथ ही मैं सब कुछ डिलीट कर दूं, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन है। क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करके फिर ये आपका ये पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर ये बेसिक है, बेसिक के ऊपर आप देखिए ये ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गया आपका, कुकीज और ये इमेजेस वगैरह जो भी उसने कैच किया हुआ है, कैच फाइल जो होता है वो सब कुछ डिलीट कर देगा। और इसमें एक ये बहुत ही अच्छा मुझे फीचर्स लगा है कि ये जो लास्ट आर है, मतलब 1 आर में आपने क्या क्या किया है इसको आप डिलीट कर सकते हो। आप चाहिए तो पूरे दिन या आपने क्या क्या किया है 24 आवर्स का वो भी आप डिलीट कर सकते हो। ये 7 डेज यानी 1 वीक का हो गया, ये 4 वीक यानी 1 मंथ का, ये ऑल टाइम ही कर दो तो क्या होता है कि सारा किस्सा ही खत्म। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सिर्फ 1 आवर का डिलीट करना है, तो आप 1 आवर का डिलीट कर सकते हो। लेकिन मैं पूरा और लास्ट 4 वीक का डिलीट कर देता हूँ। तो अभी इससे पहले आपको ये एक ऑप्शन और दिखा देता हूँ, ये एडवांस है। ये तो बेसिक देखा आपने, ये एडवांस है जिस पे आप यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हो 24 आवर्स, 7 डे, 4 वीक, ऑल टाइम। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह आ गया, डाउनलोड हिस्ट्री आ गया, कुकीज वगैरह कैच इमेज आ गया, और यहाँ पे कोई साइट पे जैसे इस पे पासवर्ड वगैरह सेव हो जाता है ऑटोमेटिक, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। जो भी डाटा है साइट आपने सेटिंग वगैरह किया रहेगा वो सब डिलीट हो जाएगा सर्च हिस्ट्री से। तो चलिए हम जो 4 वीक का हम डिलीट करते हैं। 4 वीक पे जाने के बाद ये मैंने तीनों ऑप्शन सेलेक्ट किया बेसिक में, और मैं क्लियर डाटा करता हूँ। फोर वीक का डिलीट कर रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, यानी 1 मंथ में आपने क्या क्या सर्च किया है सब कुछ डिलीट हो गया। तो देखिए सब कुछ डिलीट हो गया। अभी हम चलते और वापस हिस्ट्री पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ भी आपने रिसेंटली कुछ भी नहीं दिखा रहा है, आपने क्या और कौन सी चीज़ें सर्च की थी सर्च हिस्ट्री सर्च बॉक्स या गूगल सर्च पे। तो देखा दोस्तों कैसे हिस्ट्री डिलीट कर सकते बहुत ईजीली तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और मतलब आगे और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको पता चलती रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।